अगेन शंकर जी और संगीता जी को बुलाएंगे स्क्रीन पे, और आज एक बहुत ही बढ़िया मौका है कि हम कुछ क्वेश्चन के थ्रू, आंसर के थ्रू शंकर जी से सीखेंगे कि कैसे उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया। आई एम वन ऑफ द पार्ट ऑफ देयर बिजनेस, मैं खुद उनके बिजनेस का एक हिस्सा हूँ, तो मुझे पता है कि शंकर जी का कितना विशाल बिजनेस है देश विदेश में। सो हेल्प यू वेलकम अगेन डॉक्टर संगीता एंड शंकर देवराज ऑन द स्क्रीन प्लीज। या सर, थैंक यू सर। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा जो मुझे बताया गया है अहमदाबाद ब्रिट ओपन से, कि आपका बड़ा टीम है, यू हैव अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, तो नेचुरली आपने टीम बनाई है, और इस बिजनेस में होम टीम का कितना महत्व है, और आपने कैसे अपनी होम टीम को डेवलप करी, क्या उसके ऊपर आप प्रकाश डालना चाहेंगे? जैसे कि मैंने पहले प्रेजेंटेशन में बताया, बिजनेस किन के लिए अच्छा रहता है? सी, द गोल इज टू बी हैप्पी। एट द एंड ऑफ द डे द गोल इज नॉट मनी, द गोल इज नॉट टाइम, द गोल इज टू बी हैप्पी। हैप्पी आप कैसे बनेंगे? बहुत सारे लोग को मैं जानता हूँ बिजनेस में, दे जस्ट आफ्टर द मनी, यू नो, एंड हैप्पीनेस इज ऑल टाइम इल्यूजिव, क्योंकि पैसे आ जाएंगे लेकिन इंटरनली आप हमेशा अनहैप्पी हो, यू नो, व्हाट्स द यूज ऑफ लिविंग लाइफ लाइक दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन व्हाट यू वांट। मेरा केस में मेन चीज ये था कि यू नो संगीता एंड द चिल्ड्रन मेड इट वर्थवाइल दैट आई वांटेड टू कम फॉर, राइट? और क्योंकि मैं उनके पास आना चाहता था, यू नो दैट वाज द गोल इन द बिजनेस, टू बिकम फ्री एंड गेट होम, यू नो, सो आई वांटेड टू गेट क्लोजर टू हर, एंड यू नो, सो फॉर्चुनेटली हमारे केस में जब बिजनेस हम लोगों ने देखा, मैंने पहला देखा, फिर अगले साल संगीता यूएस गई, वो भी देखी, वी स्टार्टेड इट टुगेदर, बोथ ऑफ अस पैशनेटली फेल इन लव विद द बिजनेस, एंड यू नो, एंड इट वाज वेरी इजी लाइक दैट। यू नो जो लोग पहली बार देख रहे हैं प्रेजेंटेशन को, इफ यू एज हस्बैंड एंड वाइफ यू हैव नेवर डन एनीथिंग टुगेदर, यू नो दिस इज अ फिनोमिनल अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन कोलैबोरेट एंड को क्रिएट। आई मीन एवरी हस्बैंड एंड वाइफ family creates children, that's only probably the few things they co-create. Yahan par you have the opportunity to co-create an asset, co-create your life together, co-create those foreign trips together, co-create an asset based income, co-create values for your children, you know, ye sab mauka hai, and because of that is where you have to go. You know, home team to obvious hai, you know, who wouldn't want a good home team if a good home team can get you this destination? संगीता जी, आप प्रोफेशनल है और एक पत्नी के नाते आपने क्या होम टीम को योगदान दिया अपने टीम को डेवलप करने के लिए, थोड़ा और कैसे कुछ चैलेंज आए तो आपने कैसे उसके ऊपर ओवरकम किया, थोड़ा विस्तार में बताएं। बिल्कुल जी, बताती हूँ। एक पत्नी होने के नाते हमने क्या क्या किया, एक पत्नी होने के नाते नॉर्मली क्या होता है कई घरों में ना, शाम होते होते इंतजार होता है कि कब हस्बैंड वापस घर आए, और पूरे दिन की आप बीती सुनाई जाए, जिसमें ज्यादातर ये हुआ वो हुआ वो हुआ, नेगेटिव हुआ, फलाना ढमाका, कुछ ना कुछ इच्छा रहती कि हस्बैंड सुने। तो ये नॉर्मल है और होना भी चाहिए ऐसा, क्योंकि कहने की पत्नी की कहने की इच्छा होती है, और पति अगर सुन ले तो पत्नी को बहुत अच्छा लगता है। और तो ये कुछ चेंजेस हमें करने पड़े नॉर्मली, ये सब अगर नेगेटिव वाइफ बोलती है तो नॉर्मली जो पति होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि दे हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम इमीडिएटली, जबकि वाइफ के कहने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि वो उनको सुने। तो ये छोटी छोटी चीजें क्या होती हैं कि उस समय फिर कुछ ना कुछ आगे पीछे हो जाता है कई घरों में। और शाम का टाइम जब हमने बिजनेस शुरू किया था, वो टाइम था जब हमको बिजनेस करना था, जब इनको बिजनेस के लिए प्लान दिखाना था, इनको हम लोगों को बाहर जाना था, तो उस समय आई मेड श्योर कि जब ये ऑफिस से वापस आए तो मैंने हर चीज उस समय मैं रेडी रखती थी, चाहे वो उस समय सीडीज वगैरह थे तो लेके जाना था तो वो बैग रेडी रहता था, इन आते आते कुछ खा के जाने के लिए ये रेडी रहता था। तो मैं एटमोसफियर ऐसा रखती थी कि जैसे ऑफिस खत्म हुआ, चलो अभी दूसरा काम करना, और जो बाकी घर का है वो सब या तो रास्ते में गाड़ी में बात कर ले या कहीं और बात कर ले, लेकिन ऑलवेज मीटिंग के बाद। तो कीपिंग अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर एट होम, ये एक्चुअली हमारा काम है, रादर देन थिंकिंग अरे हम भी तो दिन भर हम काम कर रहे हैं, अभी हम बात नहीं करेंगे तो कब करेंगे।
सो से वॉट एवर यू नीड टू से, लेकिन क्योंकि आदमी जब जॉब पे जाते हैं, एक तो दिन भर काम करके वैसे भी वो ऑफिस में नेगेटिव लेते ही रहते हैं, कभी बॉस से तो कभी कस्टमर से, तो किसी ना किसी से नेगेटिव लेते रहते हैं। अब घर आते आते भी अगर नेगेटिव लेना पड़ेगा तो बेचारा कहाँ जाएगा, ऑल सडन उसके बाद जाके प्लान दिखाना। तो दीज आर थिंग्स जो बहुत बेसिक है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट दीज आर लिटिल एडजस्टमेंट्स दैट एवरी हाउ एवरी पर्सन जो एवरी वाइफ नीड्स टू मेक, कि आप रेडी रहें, खुद जाने को रेडी रहें, छोटी मोटी बातें बाद में कर लें एंड बी कंप्लीटली रेडी फॉर द बिजनेस। तो ये एक चीज मैंने जरूर की, आई मेड श्योर कि घर में एटमोस्फियर एकदम पॉजिटिव रहा। किस घर में छोटी छोटी बातों को लेकिन नेगेटिव नहीं होता है भाई, हर घर में होता है, लेकिन उसको अगर हम अपने आप निपटा लें ज्यादा आसानी होती है। और ऐसे समय में बोलें जब जब उस समय सामने कोई बिजनेस का कोई प्रेजेंटेशन ना, ये उस जमाने की बात है जब हम लोग सिर्फ शाम को बिजनेस मीट करते हैं, तो एंड वी कीप एवरीथिंग रेडी, खाना वाना बना के। सो दिस इज अब मतलब एक औरत का इस बिजनेस में 50% काम है, दोनों को 50-50% काम करना है, और होम टीम अगर हम ऐसी बात करें ना, तो पहली बात उसमें टीम जो आ जाती है, किसी भी टीम के पहले आपकी होम टीम है, आपकी होम टीम जैसी होगी वैसा ही लोग आपको डुप्लीकेट करेंगे। तो अनबन, झगड़े या डिफरेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हर घर में होता है, लेकिन उसको कैसे डील करें उसको अगर हम सोच लेते हैं, तो भाई कुछ हस्बैंड वाइफ में बहुत अच्छा बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कहीं ठीक ठाक बनता है, चलो चलता, कहीं कहीं नहीं बनता है। लेकिन कुछ भी हो, हमको ब्रिट सीरीज में सिखाया गया कि मेक अ बिजनेस डिसीशन टू कीप द होम टीम स्ट्रांग, क्योंकि होम टीम स्ट्रांग रहेगी उसी को देख के लोग आपको डुप्लीकेट करते हैं। अभी तक तो इतना सुझाव, अरुण जी और भी आगे कुछ सोचते तो बताती हूँ। थैंक यू संगीता जी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन शंकर जी से है कि आपकी होम टीम मजबूत होने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट महसूस हुआ, थोड़ा बताएं। वन थिंग इज देखिए, मध्यम वर्गीय लोगों में नॉर्मली हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता है, बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं रहता है, जैसे हस्बैंड वाइफ को पुकारता भी है वहां से शुरू करके। एंड आई डिड नॉट सी वेरी ग्रेट रिलेशनशिप्स बिटवीन द मेन एंड वुमेन एट होम व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, आई विल बी ऑनेस्ट। एंड वो एक प्रथा थी, एंड मैंने किसी भी घर में नहीं देखा एक आदर्श रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। ये बिजनेस में आने के बाद पहली बार यूएस में कुमार एंड अंजलि के बीच देखा मैंने। एंड यू नो कुमार की पर्सनैलिटी यू नो इज सच दैट यू नो, बट डिस्पाइट दैट यू नो एंड द स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दैट द ओपिनियनेटेड पर्सन दैट ही इज, आई सॉ हाउ ब्यूटिफुली दे वर रनिंग देयर लाइफ। और आप बहुत सफल लोग को देखेंगे ना, बहुत इफ यू गो टू बहुत रईस खानदान को देखेंगे, यू नो व्हेन यू गो टू वेरी लाइक आई हैव विजिटेड द बिरलास मेनी टाइम्स, you know, मैंने वॉच किया उनको वेरी क्लोजली व्हेन दे वर सक्सेसफुल। हर जो जो रिस्पेक्ट के साथ दूसरे फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, यू नो। एंड थ्रू दिस बिजनेस वन थिंग दैट वी लर्न्ड, एंड यू नो वन थिंग आई मस्ट क्रेडिट संगीता एंड द चिल्ड्रन इन आवर केस इज दैट दे मेड लाइफ ऑलवेज वर्थ वाइल, यू नो। एंड हमेशा इट वॉज ऑलवेज द होम वॉज द लास्ट प्लेस आई वॉन्टेड टू लीव एंड होम वॉज द फर्स्ट प्लेस आई वॉन्टेड टू कम बैक। एंड ये सिस्टम में आने के बाद जब ये वैल्यू को ये सिस्टम ने बहुत बढ़ाया, फिर हमने इसको और मजबूत कर दिया विद द रिजल्ट दैट जब मैंने आपको बता रहा था कि टुडे मॉर्निंग वी सेलिब्रेटेड आवर डॉटर्स बर्थडे, यू नो एंड इट वाज सच अ स्पेशल मोमेंट व्हेन वी कट द केक, व्हेन वी शेयर्ड दैट स्पेशल मोमेंट टुगेदर एंड ऑल ऑफ अस हैड आवर आईज हैड गॉट वॉइस। ये पैसों से नहीं खरीद सकते आप, दिस इज समथिंग दैट इज बिल्ट अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड यू नो वो होता है एक बार तो देन you know then it becomes easier to dream big also, because you know when you start getting more and more you need a context, you need a place to enjoy all that. aap bahut dhan kamate hain lekin ghar pe aake jinke sath important hai wo relationship acche nahi hai, kya khushi manayenge aap? think about it, you know, what would you enjoy? but if you come back to a home, you know if you come back to a home where you feel welcome, you feel loved, you have an opportunity to give love, उससे बढ़िया क्या हो सकता है? और ये एजुकेशन सिस्टम में यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न दैट ऑल ओवर अगेन, एंड हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स थ्रू द ऑडियोस एंड द बुक्स यू लर्न एज टू हाउ यू रन द शो ऑफ योर लाइफ टुगेदर, हस्बैंड एंड वाइफ टुगेदर, यू नो। एंड
इट्स अ ग्रेट फीलिंग यू नो एंड आज तो कितना बढ़िया दिन था. इफ आई वुड डिस्क्राइब व्हाट ऑल हैपेंड टुडे, इट वाज रागिनीज बर्थडे टुडे, जैसे मैंने बोला इट वाज सच अ लवली डे. अभी मैं शाम में बिफोर द प्रेजेंटेशन पनीर काट के दिया था, बिकॉज डोमेस्टिक हेल्प नहीं है, पनीर काट के दिया, प्याज काट के दिया, टमाटर काट के. इनका काम मतलब चाकू छुरी चलाना इनका काम इसलिए कि हम सब लोग वायलिन बजाते हैं ना, तो हाथ ना कट जाए इसके लिए. So that's the reason we give it to you. But the beauty of the thing is that wo kiya just half an hour before the open meeting, and so that paneer and lachha paratha is waiting for me after the meeting today, you know. And choti choti baatein aaj matlab ye main ye kahungi ki husband and wife dono aksar apne aap ko taken for granted le lete hain kyunki saath mein rehte hain na, to achhi baatein kab dikhti hain? Shaadi ke pehle. शादी के पहले दिखता है कि ये कितनी सुंदर है, कितना ये है, कितना हैंडसम है, कितना कमाता है, क्या करता है, नहीं करता है, वो सब सब शादी के पहले दिखता है. शादी के बाद अक्सर क्या होता है कि हम एक दूसरे को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, तो इसी में तकलीफ इसी में होती है क्योंकि शादी के पहले हम जिस चीज के लिए कॉम्प्लीमेंट करते थे शादी के बाद हम भूल जाते हैं, और शायद शादी के पहले हम जितना इम्प्रेस करना चाहते थे शादी के बाद हम भूल जाते हैं. तो ये दोनों चीज अगर हस्बैंड और वाइफ ना भूलें तो इट विल ग्रेटली हेल्प द होम टीम. अगर मैं तो ये कहूंगी कि अगर वाइफ ने अगर एक टूथपेस्ट भी बेचा ना, कॉम्प्लीमेंट है, आखिर कुछ तो किया है ना. इसी तरह नेवर कंपेयर योर हस्बैंड कि उसने उन्होंने इनका प्लान बेटर है, आपका प्लान कम है, ये अच्छा था, आपको ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था. डिस्कशंस होते हैं लेकिन एक दूसरे को प्रेज करना न भूलें, क्योंकि ये पीपल स्किल्स का सबसे पहला वाक्य है, ये सबसे पहला लेसन है कि एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन देमसेल्फ. आई वो आई हम लोग हालांकि एक साथ आई हो जाता है, फिर भी एक दूसरे को हमेशा अगर आप ढूंढें, हम ढूंढते हैं कि हम इनमें क्या अच्छा बोलें. नॉर्मली हम सामने वाले जब हम प्लान दिखाने जाते हैं तो सामने वाले में क्या अच्छा है ढूंढते हैं ना, कुछ ना कुछ अच्छा बोलने के लिए सोचते हैं ना, नहीं भी हो तो भी ढूंढते हैं कि अच्छा क्या है जो हम इनके बारे में अच्छा बोले ताकि इनको लगे कि हम अच्छा कह रहे हैं. तो सेम थिंग अप्लाइज टू योर फैमिली आल्सो, सेम थिंग अप्लाइज टू पीपल एट होम आल्सो. आफ्टर ऑल मैं एक चीज कहती हूँ कि फैमिली बनती कब है, जब दो अजनबी मिलते हैं. अगर हम आज फैमिली के बाहर के अजनबी को इम्प्रेस करना चाहते हैं, उनसे अच्छा बोलना चाहते हैं, उनसे चार बात अच्छी करना चाहते हैं, तो याद रखिए कि एक दिन आपकी शादी होने के पहले भी आप कि आपकी पत्नी या आपके पति दोनों अजनबी थे. तो जब ये थॉट आता है ना कि अरे कुछ साल पहले तो ये अजनबी था, उस समय हमारा बिहेवियर कैसा था, अभी कैसा है, तो दीज लिटिल थिंग्स मेक अ डिफरेंस. इन शॉर्ट कोई भी रिलेशनशिप हो, कोई भी हो, लुक फॉर वॉट गुड यू कैन सी. कुछ तो अच्छा होगा, सब कुछ खराब है ऐसा तो नहीं होगा. अच्छा है मालूम है, लेकिन उसके लिए मुंह खोल के थोड़ा तारीफ तो करें. तारीफ हर व्यक्ति को पसंद है, और तारीफों से बहुत सारी चीजें स्त्री मर जाती हैं. अगर किसी को किसी चीज से तकलीफ है, कोई कंप्लेंट है, जस्ट अ फ्यू लविंग वर्ड्स टेक्स केयर ऑफ अ लॉट. एंड जब आप दोनों साथ में होते हैं बिजनेस सच में बढ़ता है. आई मीन दैट्स द नेचर ऑफ बिजनेस. एक्चुअली कुछ नए लोग पर्टिकुलर कुछ लोगों को सोचता होगा ये सब सिर्फ पैसे से मतलब है, ये सब क्या बातें कर रहे हैं. सी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मनी. फॉर अस मी एंड संगीता मनी इज ओनली अ मींस टू एन एंड. एंड इज द डेस्टिनेशन कहाँ पर है, यू नो डेस्टिनेशन क्या है. डेस्टिनेशन इज फैमिली, होम. बिफोर आई बाय अ ब्यूटीफुल कार, व्हेन इज अ कार ब्यूटीफुल, व्हेन योर वाइफ इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू व्हेन यू आर ड्राइविंग. अगर आपके पास व्हेन यू आर बाइंग अ ब्यूटीफुल एसयूवी विद अ लार्ज सनरूफ, मजा कब है, जब वो सनरूफ खोलते हैं और बच्चा खड़ा होता है सनरूफ से ऊपर. फैमिली इज टुगेदर, प्रेशियस मोमेंट है ना. हाउ डज इट मैटर अदरवाइज, इफ इट्स अ ब्यूटीफुल कार, 2 करोड़ रुपए की गाड़ी है, बट देयर इज नोबडी सिटिंग इनसाइड इट. एक ड्राइवर बैठा है और आप बैठे हैं कॉर्पोरेट. यहाँ पर आई मीन दैट्स अ होल थिंग यू नो. ब्रिट वर्ल्ड वाइड में यू ऑल्सो लर्न हाउ टू कोएग्जिस्ट, हाउ टू बी हैप्पी. हाउ टू बी हैप्पी एक आदत ये. ऐसा नहीं होता है कि आपको ये चीज मिल जाए वो चीज मिल जाए तो आप खुश हो जाते हैं. वो तो खुश होते हैं, फिर थोड़ी देर में भूल भी जाते हैं ना कि ये चीज मिली करके, फिर दूसरी चीज दुखी होने के लिए सामने रेडी रहती है. तो इसीलिए बीइंग हैप्पी एक आदत है, ये आदत हमेशा रहेगी. आप 3% पे रहेंगे तो भी रहेगी, और आप डायमंड एंड बियॉन्ड जाएंगे तो भी रहेगी. लेकिन अगर दुखी रहने की आदत है वो रहेगी, सुखी रहने की आदत है वो रहेगी. तो आदत है, इट नीड्स टू बी डेवलप.
तो ट्राई एंड एंड अगर ये डेवलप हो गई तो इट इज अ बिग एसेट फॉर योर बिजनेस, क्योंकि पीपल वॉन्ट टू बी विद पीपल हु अपलिफ्ट ईच अदर, हु आर हैप्पी ईच अदर, मतलब हैप्पी होम दूसरों को अट्रैक्ट करता है. तो मैं तो ये कहूंगी कि अगर आदत है बहुत अच्छी बात है, आप बहुत खुश नसीब हैं. जिनका भी गोल जिंदगी में खुश रहना है वो सबसे बड़ा गोल, और मतलब रोज खुश रहना. और अगर आदत नहीं है तो आदत डालने में क्या जाता है, 21 दिन तक करके देखिए आदत लग जाएगी. थैंक यू शंकर संगीता. बेसिकली लास्ट क्वेश्चन शंकर जी आपके साथ है कि आज जो सिचुएशन है उसमें कोई लोग अगर एमवे बिजनेस करने का फैसला लेते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, क्या क्या और क्या क्या मिल सकता है, एक नेट सेल में आप प्लीज बताएं, आप और संगीता जी दोनों. डेफिनेटली या ये क्या है कि ये बिजनेस पहला हम लोग एफएमसीजी सेक्टर में है. अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ेंगे FMCG sector was the first sector which posted a complete recovery in the month of June. Consumer good businesses ke turnover sab fully wapas recover ho gaye. March aur April aur May mein thoda dip hua tha, zyada nahi hua tha. June ke mahine mein FMCG has come back to normal level. So hamari business is in FMCG sector. To ye sector mein agar aap products ko samajh lenge achhi tarah se, use karna shuru kar dete hain, bechna shuru karte hain, ये दोनों काम से आप कंफर्टेबल हो जाए, यूज करके यू फॉल इन लव विद द प्रोडक्ट्स, विद दैट लव यू शेयर द प्रोडक्ट्स विद अदर पीपल. ये दो काम कर ले, देन यू टेक द बिगर टास्क ऑफ फाइंडिंग द बिगर टीम. वो लोगों को ढूंढने का काम कैसे करते हैं, टुडे यू कैन डू इट इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू सोशल मीडिया, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट होने मोबाइल, थ्रू वेरियस डिजिटल मीडिया, लिंक्डइन है, फेसबुक है, उसके थ्रू यू कैन रीच आउट टू द लार्जर वर्ल्ड. You can, and फिर क्या होता है कि then you get to the more difficult task of finding the right people who will create the asset for you. वो पूरा काम आज के दिन में you can do it online. तो हम लोग करते क्या है, we teach you how to, you know, join करने के business में we teach you how to pitch the business with new people through what you call as dropping the message, masaba. कैसे लोगों के साथ business pitch करना है. वो सरियल कुछ पूछे नहीं हम लोग ये सवाल, मैंने MBA शुरू किया है तुम join करोगे क्या मेरे को. That is a wrong question to ask. How do you present this? आपका joining का experience कैसा रहा इस business में? You start there, then you go on to, you know, actually asking some critical questions to the candidate. वो सब आप online कर सकते हैं. फिर उसके बाद उनको ये presentations में लेके आइए. Presentations के बीच Smart Touch के app से 2,500 को जो collection है, जो audio के catalog है, video के catalog है, उससे आप candidate को you can train him. आज के दिन में टिपिकली जो भी कैंडिडेट हमारे बिजनेस में आता है उसको ज्वाइन करने से 15-20 ऑडियो सुना देते हैं. सो द पर्सन हु इज कमिंग इन इज वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, यू नो. जैसे कि हम कुमार ने हमको जब बिजनेस में लाया था, हमारी लॉन्च होने से पहले 40-50 ऑडियो सुन चुके थे, यू नो, एंड दैट वॉज सच अ पावरफुल थिंग, यू नो. तो यू एजुकेट पीपल ऑनलाइन, तो स्मार्ट टच के ऑडियोज के थ्रू आप लोगों को ऑडियोज लोन कर सकते हैं, यू नो. बाकी जंगली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज की तरह हम लोग को यूट्यूब पे रिलाय नहीं करना है टू गिव पीपल इंफॉर्मेशन. वी कैन गिव कंपनी अप्रूव ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन थ्रू स्मार्ट टच टू आवर पीपल, राइट. एंड वो एक प्लेटफॉर्म है. सो एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, अभी बिकॉज ऑफ द प्रिफर्ड कस्टमर वेरीफाइड प्रिफर्ड कस्टमर प्रोग्राम, आप कस्टमर्स को अपॉइंट कर सकते हैं ऑनलाइन और वो लोग डायरेक्टली एमवे के वेबसाइट में लॉग इन करके प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं. उसका पूरा क्रेडिट, पॉइंट्स के क्रेडिट आपको मिलेगा. So virtually the whole business can be done online today. Of course, हम और संगीता personally हमारी सबसे बड़ी अमानत और जो दौलत है हमारी is our organization. And that organization has been built in people's drawing rooms and homes. उसको हम जरूर miss कर रहे हैं. और ये temporary है. You know, we have spent so many evenings with Arun and Karna, so many evenings with Dr. Aman Usha, so many evenings with Manoj and Anuradha. Countless number of afternoons and evenings with so many leaders like Arun and Pushpa, you know. And so wo hum miss karte hain jahan par you can meet, physically meet people, you know, some of the teams that we have brought in recently, you know, I've had an opportunity to engage with them almost on a day-to-day basis for 1 year. So ye jo, that's one thing that we definitely miss. And hum recognize karte hain, Sangeeta, ki ye temporary hai, kuch din ke baad ye virus nikal jayega. We will go back to that life. हम नहीं चाहेंगे कि हम पूरा Zoom में business चलाएं. We would love to go to people's homes.
और मुझे याद है कि मनोज और अनुराधा की टीम फॉर एग्जाम्पल और एनपीएन विनीता और एनी ऑफ द होम्स रामन उषा हाउस और पटना हाउस, किसी के भी घर हम लोग जाते हैं शाम को मीटिंग करने में, भूखे पेट कभी नहीं भेजेंगे, अच्छी तरह से खाना खिला के भेजेंगे। प्रेम और उषा शर्मा फॉर एग्जाम्पल, उनके घर में हंड्रेड्स ऑफ मीटिंग्स आर अटेंडेड पर, और वो भी खाना बना के नहीं रखती थी, मीटिंग करती थी और मीटिंग करने के बाद रुकने के लिए बोलती थी उषा जी, और गर्मा गर्म रोटी बनाकर खिलाती थी अलॉन्ग विथ हॉट सब्जी एंड वो प्लान के बाद प्राइसलेस मोमेंट्स, हर हमारे रिलेशनशिप्स यहीं पर बने। एट द सेम टाइम जिस हम लोगों ने बिजनेस वैसे बिल्ड किया, कभी भी कहते हैं ना कि साथ में खाना खाओ तो रिलेशनशिप्स बिल्ड होते हैं, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई सी एनपी ऑन द स्क्रीन, आई मीन जो दिख रहे हैं तो मुझे तुरंत याद आ रहा है कि ही इज अ मास्टर ऑफ दिस, साथ में खाना खाओ एंजॉय करो एंड देन मजे करो एंड मस्ती करो, यू नो, सो इट मेक्स अ डिफरेंस जब आप साथ में खाना खाते हो, स्मॉल लिटिल थिंग्स, और तो सामने मिलने में छोटी बातें शेयर हो जाती हैं जो कि नॉर्मली स्क्रीन पे उतनी नहीं हो पाती हैं, छोटी मोटी बातें, बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ विद ईच अदर एंड देन फैमिलीज बॉन्ड टुगेदर। एट द सेम टाइम इस समय जो अपॉर्चुनिटी मिली है भाई, मैं तो इससे बहुत खुश हूँ, इस कुर्सी पे बैठे बैठे और इस एक कैमरा और लैपटॉप के जरिए आज हम पूरी दुनिया में कितने लोगों को एक साथ हम मिल सकते हैं, एक साथ बात कर सकते हैं, एक साथ हम प्लान दिखा सकते हैं, एक साथ उनको प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। तो मैं मेरे हिसाब से ये एक वरदान है इस समय में। हालांकि सोशल समय कठिनाई का है, लेकिन ये कठिनाई के समय में कुछ लोगों को ज्यादा कठिनाई है, कुछ लोगों को ज्यादा अच्छा भी हो गया है। तो ये बिजनेस की जहां तक बात है ना, मैं तो समझती हूँ कि भाई बिकॉज इट्स अ बिजनेस ऑफ नंबर्स, आप कितने लोगों को बात करते हैं उसमें अ पर्टिकुलर नंबर हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं बिजनेस में आते हैं। तो व्हेन इट्स अ नंबर्स गेम, the internet and the social media is a brilliant way to reach large numbers at one time. So it can greatly reduce our time, जो हम लोग कहते थे 3 से 5 साल लगेगा डायमंड जाने में, उस 3 से 5 साल के अंदर आप जा सकते हैं, अभी 3 से 5 साल लगने की जरूरत नहीं है ना, मतलब रोज हम एक ही आदमी को मिल रहे हैं या एक ही कपल को मिल रहे हैं ऐसा नहीं है ना, हम तो रोज कई कपल्स को मिल रहे हैं। तो इसलिए the rate at which people can get in the business, the rate at which people can buy things, ये multiply हो गया है। तो मुझसे पूछे कि जब समय ऐसा मिला है तो इसका सदुपयोग तो हम सभी को करना चाहिए, और हम तो भाई भर के कर रहे हैं। Yeah, and one more thing, you know, बहुत सारे लोग ये कोरोना वायरस की पैंडेमिक की सिचुएशन से जो इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट हुआ है उसके बहुत सारे लोगों ने रियलाइज की है कि they need a second source of income, you know? And वो सभी लोग अभी they are at least willing to listen to us and see our business. So you'll see the segment growing big time. But you know what I mean, Sangeeta foresees, जब ये मैं foresee करता हूँ कि दिवाली तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। वायरस ऑलरेडी थोड़ा ठंडा हो गया है, उतनी गर्मी नहीं है, वो लोग को मार नहीं रहा है। सो वायरस दिवाली तक ठीक हो जाएगा। ये मुंह में पट्टी वट्टी बंद करने में मेरे को मजा नहीं आता है। I am just praying to God that एक आध महीने में सब निकल जाए, पॉजिटिविटी सब निकल जाए, and I go to you know I go to Arunan Pratna's house and you know to good old times, I relive those times again, NPN Vinita's house, Ramanusha's house, precious Arunan Pushpa's house, and many of you know अभी मेरे कुछ नए friends बने हैं, like जैसे विहंग विहंग है, and you know Sunil and Dharmishta, of course उनके घर जब भी गए हैं they have fed us till here. इतना they're not let us stay in a hotel, hotel में भी luggage रहेगा hotel में, लेकिन जीना तो उनके साथ ही होगा। I'll never forget you, India, shooting India, absolutely superb last time, right. And including Arun Bhai's patties, you know. Yeah. So you know that's so special. And तो ब्याज के साथ हमको लोगों को visit करना होगा, so we have a lot of traveling to do. मतलब साथ में हमें body की भी रखना पड़ेगा। Yeah, actually we just broke a new couple, a brand new couple, बहुत excited तरीके से business build कर रहे हैं, आपने देखा होगा हमारी organization. छत्तीसगढ़ रायगढ़ में इंटीरियर है, यू नो नक्सलाइट एरिया है, लेकिन वहां पर एक कपल बिजनेस को बहुत एक्साइटेड तरीके से बिल्ड कर रहा है, तो हमको वहां जाना है। आई कांट वेट टू गेट देयर, ब्लेसिंग्स आर एवरीवेयर, एंड यू नो मैं आई होप दैट आपको ये चस्का लग जाता है, दिस फीलिंग, ये ड्रीम वर्ल्ड में हम लोग ये बिजनेस में आए थे और उसी वर्ल्ड में हम लोग पले हैं भाई साहब से। सो आई वुड अर्ज यू पीपल टू, मैं एक और चीज में आई वांट टू शेयर, सॉरी बीच में बुलाया, या ओके, नहीं सी द थिंग इज ना कि वी हैव टू लर्न टू बी
ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव. जैसे मैंने कहा कि जो है वो हम भूल जाते हैं, वो सिर्फ नॉट ओनली इन रिलेशनशिप्स, इवन द थिंग्स दैट वी हैव. तो क्या होता है, अक्सर हम कभी कभी इसमें फंस जाते हैं कि यार हम तो सिर्फ 15% है, नहीं तो हम सिर्फ 12% है, हम अभी तक सिल्वर पहुंचे नहीं, नहीं तो हम सिर्फ सिल्वर हैं, हम प्लैटिनम नहीं पहुंचे, हम सिर्फ एमरल्ड हैं, डायमंड नहीं पहुंचे. तो ये जो लुकिंग एट द कप हाफ एम्प्टी जो है ना, ये आदत अगर हम बदल लें और लुकिंग एट द कप हाफ फुल करें, तो उसी से जिंदगी की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी. आपकी होम टीम तो बढ़िया बन ही जाएगी. और मतलब आपकी अभी होम टीम में भी आप देखें तो दो लोग, पहले तो दो में भी अगर आप सही है तो आप उसका इफेक्ट दूसरे पे पड़ता ही है. एक एक नेगेटिव होता है तो दूसरे पे इफेक्ट पड़ता है, एक पॉजिटिव होता है तो दूसरे पे इफेक्ट पड़ता है. तो स्टार्ट विथ योर सेल्फ. आप अपने आप में, अपने आपके पास जो है, हो सकता है कि ज्यादा रहा हो कम हो गया, डोंट वरी. जो जहां से शुरू किया से वहां से तो आधा तो भरा ही हुआ है ना. बिजनेस में आप शुरू करो, कहीं ना कहीं से इस बिजनेस में बढ़ने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है. कहीं भी हो सकता है सांप सीढ़ी का खेल थोड़ा होता है, लेकिन जिंदगी के किस पहलू में नहीं होता है. तो जब भी आप हैं, आपने जहां से शुरू किया था जिंदगी में इस बिजनेस में, उस समय से अपने आप को कंपेयर कीजिए. डेफिनेटली आपके पास आज बहुत कुछ है. तो उस है वाले फीलिंग को जब आप अपने अंदर बढ़ाते हैं ना, तो यूनिवर्स आपको और देता है. सो ये दिस अगेन इज एन आदत, इट्स अ माइंडसेट, इट्स एन एटीट्यूड. लेकिन आजकल के दिन में हम लोग रियलाइज कर रहे हैं ना कि जो काम एक समय में हम लोग सोचते थे कि सिर्फ संत लोग कर सकते हैं, कि मन से कोई चीज बना सकते हैं, ला सकते हैं, आज हम समझ रहे हैं कि हम जो मन में सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, जो फील करते हैं, वही चीज यूनिवर्स हमारे सामने हमको लाके देती है. तो आई वुड से इवन इन द होम टीम, बिगिन विथ योर सेल्फ फर्स्ट. आप में पॉजिटिविटी भर जाएगी तो आपके साथ रहने वालों पे वो छलकेगा ही. अगर आपने ग्लास में पानी डाला, ढेर साला डाला, भर के छलक गया, तो अगले के ऊपर छींटे पड़ेंगे. सो दैट्स व्हाई बिगिन विथ योर सेल्फ फर्स्ट, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सेल्फ. ये वो करेंगे तो हम करेंगे, उन्होंने ये किया वो किया, वो सब होता रहेगा. क्योंकि हम एक्चुअली अगर आप देखें तो हम शादी के बंधन में या किसी भी रिलेशनशिप के बंधन में बंधे क्यों, क्योंकि पिछले कुछ जन्म का कुछ कर्म लेना देना होता है. उसको ठीक करने के लिए ही भगवान ने हम ऐसे रिलेशनशिप में डालता है जिसमें कि हम उसको ठीक करें. तो उसको अगर हम समझ जाए, सो वी ट्राई टू मेक इट पॉजिटिव, दैट इज द बेस्ट दैट वी कैन डू. सो विद दिस, या थैंक यू. सो रियली रियली लवली इवनिंग. कुछ लोग सोचते होंगे ना कि इसका और एम्बे बिजनेस का क्या कनेक्शन है, कोई कनेक्शन नहीं, बट करने में क्या होता है, परिणाम बड़ा अच्छा होता है. ये सब चीज फॉलो करने में जो ब्रिट सिस्टम में हमें सिखाया जाता है, एम्बे के रेफरेंस मैनुअल में नहीं लिखा है कि हस्बैंड एंड वाइफ को रिलेशनशिप होना चाहिए, कुछ लेना देना नहीं है उनको. प्रोडक्ट बेच दो, इट्स फाइन. छह टीम में 10,000 पीवी का प्रोडक्ट बेचो 6 महीने के लिए, डायमंड कहलाएंगे आप. बट वी वॉन्ट टू मेक श्योर दैट ब्रिट वर्ल्ड वाइड में जो हमारी मेंटर्स है, दे वॉन्टेड टू मेक श्योर दैट व्हेन वी रीच दैट डेस्टिनेशन, वो एक आदर्श डेस्टिनेशन था. So make a business decision. आप मतलब अलग लोगों की होम टीम अलग अलग रिलेशनशिप में होगी, अलग अलग लेवल्स पे होगी, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है. मेक अ बिजनेस डिसीजन टू मेक योर होम टीम स्ट्रांग, ताकि बिजनेस स्ट्रांग होगा. बिजनेस कम से कम एक प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी, पैसों की प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी, उसके बाद बात का बात दिखा जाएगा. एंड एक्चुअली इफ यू कीप ऑन डूइंग व्हाट यू आर कंटिन्यूइंग टू डू, एक हैबिट बन जाता है. आफ्टर दैट एवरीथिंग चेंजेस एंड बहुत कुछ बदल जाता है. व्हेन यू स्टार्ट कंट्रोलिंग द वे यू स्पीक एंड द वे यू थिंक, the whole world externally changes. How you think and how you speak. तो इसीलिए मेरी कोशिश, अरुण जी, now to answer your question, मेरी कोशिश हमेशा रही है कि मैं जितना हो सके मैं positive सोचूं, मैं positive बोलूं. ये बोलते हैं, और difficult circumstances में भी हम सोचते हैं, कुछ उसूल हैं जिंदगी में हमारे, जिसमें एक उसूल ये है कि जो भी होता है किसी अच्छे के लिए. कभी कभी circumstances ऐसे negative अपने सामने आते हैं कि अपने को समझ में नहीं आता है कि किस अच्छे के लिए हो रहा है. बट देन उस समय अगर इफ वी आर एबल टू जस्ट कंट्रोल आवर टंग, आवर थॉट्स, एंड हम अपने आप को कंट्रोल में रखें, कुछ मैं समझ में आए तो उस समय आप हनुमान चालीसा पढ़ लो, नहीं तो आप चले जाओ मंदिर चले जाओ या कुछ भी कर लो. लेकिन उस समय अगर नेगेटिव ना बोलो,
उसी में आपको एक पावर मिल जाती है कि जो नेगेटिव आता है वो पास हो जाता है, उसको बढ़ाने से वो कई गुना आगे बढ़ जाता है। तो ये भी एक एक्चुअली पूछे तो हम लोगों को ह्यूमन एवोल्यूशन में एक टेस्ट है कि आप ये आपका पेशेंस लेवल आपके इसको आगे और बढ़ाता है। सो दैट इज व्हाई ऑल दैट वी कैन डू इज टू ट्राई, लेकिन कोशिश अगर तो कर तो सकते हैं ना, तो ट्राई एंड बी पॉजिटिव, स्पीक पॉजिटिव एवरी टाइम। बल्कि मुझे याद है एक किसी सीडी में, बहुत पुरानी सीडी में मैंने लिखा था कि अगर एक जार रखो, अगर समझ में नहीं आता है कि हम क्या नेगेटिव बोल रहे हैं, कभी कभी कोई ये बोलेगा, तो एक जार रखो, जब भी अपने परिवार वालों को बोल के रखो कि अगर हमने कुछ नेगेटिव बोला तो मुझे बताना, और उस जार में एक कॉइन डाल दो, कम से कम वो जार के कॉइन्स ही आपको दिखा देंगे कि आप इफ यू जेन्युइनली वॉन्ट टू इम्प्रूव। अगर मन में है लेकिन कि नहीं नहीं मैं तो जब हम जो कर रहे हैं वो तो ठीक ही है, दूसरा कौन होता है मुझे बोलने वाला, हम ही सब कुछ जानते हैं, तो भाई कभी ना कभी भगवान बता ही देता है कि और लोग भी कुछ जानते हैं, तो उसको पहले ही समझ लेना अच्छा है। शंकर फॉर योर वैल्यूएबल विजडम एंड नगेट्स, आई थिंक ये आज बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज होगी, एंड स्पेशली द पीपल हु आर एक्साइटेड एंड न्यू पीपल आर बिल्डिंग द बिजनेस, उन लोगों को बहुत सारा वैल्यूएबल टीचिंग्स मिला, एक्सपीरियंस मिला एंड लॉट ऑफ थिंग्स। थैंक यू वेरी मच।